नमस्कार, हमारे सभी देखने वाले को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं स्वाति गुलाटी एक बार फिर से आपके समक्ष लेकर आई हूं दिवाली की मिठाइयां वुमेन्स एरा और किचन वर्कशॉप के सौजन्य से। तो आइए हम कुछ सरल मिठाइयां बनाते हैं घर में, जिसमें हमें कोई बाजार का मिलावटी खोया नहीं चाहिए होगा। पहली रेसिपी है पनीर मलाई के लड्डू। पनीर लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर मलाई, कंडेंस्ड मिल्क, पाउडर चीनी, घी, पिस्ता सजाने के लिए और इलायची पाउडर फ्लेवर देने के लिए। करीब 200 से 250 ग्राम पनीर लेकर के हमें उसे क्रम्बल करना होगा। आप चाहें तो मिक्सी में भी चला सकते हैं। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, दो बड़े चम्मच गाढ़ी मलाई और उसको अच्छे से मिक्स करें। अपनी उंगलियों की टिप्स की मदद से इसको एकदम स्मूद आउट करेंगे, जो उसमें थोड़ा थोड़ा भी दाना रह जाता है पनीर का। कोशिश करें कि वो सब मिक्स हो जाए। दो छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी के, हरी इलायची पिसी हुई उसका पाउडर, और हम इसे वापस मिक्स करेंगे। पैन में हम 1 टीस्पून करीब घी गरम करेंगे। पनीर का मिश्रण अब हम इसमें पैन में डाल देंगे। मीडियम आंच पे रखते हुए कोशिश करिए ये जले ना, तेज आंच ना हो। इसको आप कंटिन्यू स्टर करते रहिए करीब 10-12 मिनट तक के लिए, और हमें ये तब तक चलाना है जब तक ये सिक कर पैन की साइड छोड़ना शुरू ना करें। एंड ये इट हैज कम टुगेदर लाइक अ लम। तो अब हम इसको गैस से उतार लेंगे और एक बोल में ट्रांसफर करेंगे कूल करने के लिए। ये ठंडे मिश्रण से अब हम एक नींबू के बराबर का बॉल लेंगे और हथेलियों के बीच में इसको राउंड शेप देंगे लड्डू के आकार करने के लिए। ये बहुत ही नरम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनका शेप ढीला रहता है। तो शेप देने के बाद हम इसमें इसको पिस्ता से डेकोरेट करेंगे, और अब हम इसको ये बारीक कटे हुए पिस्तों से सजाएंगे।